सरकारी कार्यक्रमों के मंच पर एक ही पार्टी के दिग्गजों का जमावड़ा तो आम बात है, लेकिन अगर मंच पर चिर प्रतिद्वंदी एक साथ नजर आए तो जाहिर सी बात है कि निगाहें वहीं टिकेगी। उत्तर प्रदेश में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की जयंती पर भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला, जो आने वाले समय में कई राजनीतिक अटकलों को हवा दे सकता है। दरअसल जब कार्यक्रम में आदित्यनाथ योगी और अखिलेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया को एक साथ मंच पर देखा गया तो सियासी गलियारों में इसके अलग अलग मायने निकलने शुरू हो गए। राजा भैया मंच पर आदित्यनाथ योगी के बिल्कुल बगल में ही बैठे थे। ऐसा माना जा रहा है कि अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में सियासी समीकरण बदल सकते हैं। अब अटकलें तेज हैं कि राजा भैया जल्द ही टीम योगी में शामिल हो सकते हैं। राजा भैया इससे पहले भी निर्दलीय विधायक होने के बावजूद कई सरकारों में मंत्री पद संभाल चुके हैं। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने उनके खिलाफ प्रचार किया था। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली ऐतिहासिक जीत के बाद प्रदेश के राजनीतिक समीकरण बदलने लगे हैं। अब देखना होगा कि राजा भैया की एंट्री योगी की टीम में कब होती है। देखते रहिए डीबी लाइव।